Titan. Broken Hercules. अनजाने में कलीब से भी हटे और आपकी जाने के लिए मैंने इशारा की तेरे कह हिस्सा है किसी भी खोज के कामकार का और इस साल 14,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर ट्रेनिंग दी गई जिसमें आज नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सुरक्षा के हालात को और मजबूत करने के लिए लगभग 1800 कमांडो ट्रेनिंग के स्कूल से लोग ट्रेनिंग लेकर के निकले जो अलग अलग जगहों पे ऑपरेशनल और सिक्योरिटी की ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। तफ्तीश जो आज का हिस्सा है हमारे कामकाज का जो किसी वजह से थोड़े से नीचे के पायदान पे चले गए उसको और आगे उठाने के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज ऑर्गेनाइज हुए जिसमें 615 लोग अलग अलग लेवल के ऊपर ट्रेनिंग हासिल किए। साइड ट्रेन जो साइबर की क्राइम को डील करने के लिए ट्रेनिंग है उसमें लगभग 2500 लोगों ने ट्रेनिंग ली और ऑपरेशन कंजोगी जो मिशन कंजोगी के तहत यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर चल रहा है उसमें 1600 के करीब लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की। आज जम्मू कश्मीर के हालात आप सबके सामने हैं इसमें आप सब जवानों का जम्मू कश्मीर पुलिस के और बाकी फोर्सेस के बहादुर जवानों और ऑफिसर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा माहौल जो बदला है इसमें ऑनरेबल एलजी साहब उनकी क्यादत ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनकी हौसला अफजाई और अलग अलग तरहों से रहनुमाई का नतीजा है और हम उनको शुक्रिया करना चाहते हैं कि पिछले 4 वर्षों में जो हालात में बदलाव देखने को मिला है उसमें हर तरह का सहयोग की तरफ से हमें प्रणाम हुई है। बदलते हालात को और बेहतर किया जाए जहाँ पर अमन की बहाली परमानेंट हो सकती है तो देर तक अमन रहे उसको लेकर के हम नई पहल कर रहे हैं। चंद महीने पहले हमने ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत इक्कीस साल को चुना जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी में मुबला थे और उनके साथ एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनको बाकी थानों के मुकाबले में और मजबूत किया गया। कुछ दिनों के बाद 22 थाने और भी जिनको इसी तरह के बेहतरीन जो साजो सामान है उनके साथ लैस किया जाएगा और उनको उन थानों के अंदर तैनात किया जाएगा जहाँ अभी भी मिलिटेंसी का कुछ हद तक मौजूदगी है और जिसको जड़ से खत्म करने के लिए जो पुराना जो है आगे जारी रहेगा। हम लोग अपने जवान और शहीद साथियों के परिवारों के वेलफेयर को अव्वल दर्जे की तरजीह देने चलते